ये दुश्मनों के लिए बड़ा संदेश है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत ने चीन पाकिस्तान को ऐसे दी चेतावनी कि आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत ने परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन INS अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया है। शुरू से भारत इस रणनीति पर चलता आया है कि हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर दुश्मन देश ने हरकत की तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। खास बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल के सफल टेस्ट की औपचारिक घोषणा की। हथियार प्रणाली ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को पूरा किया। हालांकि मंत्रालय ने सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा नहीं किया जिसे 6000 टन वजनी INS अरिहंत से दागा गया था। भारत की पनडुब्बी 2018 से पूरी तरह ऑपरेशनल है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन समंदर के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। इससे एक बात और साफ हो गई है कि स्वदेशी INS अरिहंत क्लास की सबमरीन हर पहलू पर काम करना शुरू कर चुकी है और ये दुश्मन के लिए बड़ी चेतावनी भी है। खबरों के मुताबिक जिस SLBM का टेस्ट किया गया वो BO5 या K-15 मिसाइल थी जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट करने की है। बताया जा रहा है कि INS अरिहंत कम दूरी की K-15 मिसाइलों से लैस है। 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली K-4 SLBM का डेवलपमेंट ट्रायल पूरा हो चुका है लेकिन इसे पूर्ण रूप से शामिल किया जाना बाकी है। अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का छठवां देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है। सरकार ने पहली बार INS अरिहंत से SLBM लॉन्च करने की घोषणा की और ये टेस्ट ऐसे वक्त में हुआ जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी बरकरार है और दोनों देशों ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती बॉर्डर पर कर रखी है। बड़े हथियार भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। दोनों देशों के बीच 30 महीने से सैन्य गतिरोध बना हुआ है। तो ऐसे में इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चीन के लिए टेंशन भरी बात है। दूसरी तरफ दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आशंकित है। आशंका जताई जा रही है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है और 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार इस तरह का खतरा पैदा हुआ है। मंत्रालय ने बयान में कहा, INS अरिहंत से SLBM का 14 अक्टूबर को सफल टेस्ट किया। ये एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में टारगेट पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि SSBN कार्यक्रम भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक प्रमुख अंग है। ये भारत की विश्वसनीय मिनिमम डेटरेंस की नीति को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत, टिकाऊ और सुनिश्चित जवाबी क्षमता की पुष्टि करता है। साथ ही ये पहले इस्तेमाल न करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी साफ करता है। INS अरिहंत ने भारत के मौजूदा परमाणु ट्रायड यानी जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हमले की क्षमता को सशक्त किया है लेकिन इसे और भी भरोसेमंद और पावरफुल बनाने के लिए लंबी दूरी तक मिसाइल ले जाने वाली SSBN की जरूरत है। ट्रायड के बाकी दोनों अंग जमीन से दागे जाने वाली अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के होने से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ये फाइटर्स परमाणु ग्रेविटी बम गिराने में सक्षम है। माना जा रहा है कि दूसरी ऐसी सबमरीन INS अरिघाट कुछ देरी के साथ अगले साल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो सकती है। अमेरिका, रूस और चीन के पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ऐसे में ज्यादा पावरफुल SSBN होने से विश्वसनीयता और भारत की ताकत बढ़ेगी। ये साफ हो जाएगा कि अगर दुश्मन ने पहले हमला करने की जरूरत की तो भारत उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। माना जाता है कि भारत 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों पर काम कर रहा है और ये दुश्मन देशों के लिए एक बड़ा संदेश है या कहे एक चेतावनी है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।